फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हो आपकी जीमेल आईडी में कितने फोटोज अपलोड हुए हैं, बैकअप हुए हैं, आप उन फोटोज को कैसे देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, अपनी जीमेल का जो एप्लीकेशन होता है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, जहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड पे स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी का, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्स एंड सर्विस का, जहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है। और आपने दोस्तों अगर फोटोज एप्लीकेशन से बैकअप किए हैं फोटो, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू किए हैं, आपको जहाँ पे पता चल जाएगा सभी एप्लीकेशन आपको जहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने फोटोज एप्लीकेशन से किए हुए हैं, जैसे देख सकते हो आप, जहाँ पे मैंने 17 फोटो जहाँ पे बैकअप किए हुए हैं, इन्हीं फोटोज पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे आपको आपके सामने सारे जितने भी आपने आज तक फोटो सेव किए होंगे, बैकअप किए होंगे, आपको जहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप इन फोटोज को गैलरी में दोबारा वापस लाना चाहते हो, सिंपल सा आपको ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फोटो पे आपको क्लिक करना है। जितने ही फोटोज को आपको गैलरी में वापस लाना है सिंपल सा सिलेक्ट करते जाना है। उसके बाद आपको फिर से 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके ये दोबारा गैलरी में सेव हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक दिया गया है। थैंक यू।